देखिए, आज ग्रांड चेकिंग चल रही थी जिसके दौरान कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। उसमें एक बदमाश शातिर बदमाश है, सिकंदर नाम का है, जो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, हर जगह से उसके ढेर सारे मुकदमे हैं, डकैती के, लूट के, चोरी के, शातिर अपराधी है। उसके साथ मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, एक अपाचे बाइक भी बरामद हुई है, बिना नंबर की है, संभवतः वो भी कहीं से लूट की है, चोरी की होगी। एक इसका साथी था फौजी, जो अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है। कॉम्बिंग चल रही है अभी भी, और ये शातिर गिरोह है। आपको याद होगा जून के महीने में अमित चौहान जो सीमेंट व्यवसायी थे, सरिया मार करके उनका मोबाइल लूटा गया था, उसमें वांटेड चल रहा था, 25,000 का इनामी बदमाश है। मोबाइल दूसरे से लूट करके और अन्य घटनाओं में प्रयुक्त करते थे, ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, 25,000 का इनामी बदमाश को इन्होंने मुठभेड़ में पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। हम एटा पुलिस की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अपन साहब, क्या ये कोई अंतर जनपदी गैंग था जैसा आपने बताया? अंतर जनपदी गैंग है, बताया मैंने आपको। इसके मैनपुरी में मुकदमे हैं, फिरोजाबाद में, इटावा में, मथुरा में, और यहाँ 5 जनपदों में इसके मुकदमे हैं। तो लूटपाट के घटनाएं ज्यादा करते थे लोग? लूटपाट की ही घटना है, और पशु चोरी, लूटपाट, ये सब घटनाएं करते थे। थैंक यू।